हाय फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लूटूथ एयरफोन है। ये इसका तार जो है एक साइड में आता है, एक साइड में नहीं आता है। इसको मैं रिपेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। इसका सिंपल है, मेरे पास ये एयरफोन है जो कि न्यू लिया था। इसका वायर थोड़ा कट गया था, तो इसका जो एयरफोन का स्पीकर है वो अच्छा है। इसको मैं इस टाइप से कट करके आपको बनाना सिखा देता हूँ। इसको लगाना है और उसके बाद में ये जो मदर इसका छोटा किट आता है उसमें स्पीकर का वायर जो है प्लस माइनस उसको जोड़ना पड़ेगा। आपको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है लंबा ना हो बोल के। इसके बाद में मैंने इसमें पेस्ट लगा दिया हूँ। पेस्ट लगाने के बाद में इसको अच्छी तरह से इधर सोल्डर कर देंगे। लगभग ये हमारा सोल्डर हो चुका है। इस तरीके से आपको सावधानी से करना पड़ेगा सोल्डर ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ये सोल्डर हो चुका है, आप दूसरा साइड का जंप शोल्डर कर लेता हूँ। इसको मैंने कट किया, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से आ गया है मेरा हेडफोन का वायर। आप लोग मल्टी में चेक करके लगा सकते हैं। इसको पहले शोल्डर पेस्ट में तार को वो करना पड़ेगा, उसके बाद में ही होगा, नहीं तो देख लीजिए। इसके बाद हम लोग फिटिंग करेंगे। इस तरीके से इसमें हल्का छेदा कर देंगे। छेदा करने के बाद में इसको हल्का हल्का लगाएंगे। हल्का हल्का सुपर ग्लू की मदद से इसको चिपकाना पड़ेगा, नहीं तो ये खुल जाएगा बाद में। ज़्यादा नहीं, लाइट से लगाना पड़ेगा, नहीं तो अंदर भी घुस सकता है। देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से दूसरा लाइन में भी छेदा करना पड़ेगा। आराम आराम से करते जाएंगे। अभी इसमें भी हम सुपर ग्लू के मदद से थोड़ा सा लगा देंगे। ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का लाइट्स लगा देंगे, नहीं तो बोर्ड में चला जाएगा तो बाद में वेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। अभी ये रेडी हो गया है, अभी चेक करते हैं। Power on. You plugged into Nirvana. ये ओके हो गया है।